हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने ये टॉपिक जो है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट कंडक्टिंग कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके लिए हमने बात की थी। और इसमें दोस्तों हमने सबसे पहली जो कंडीशन ली थी वो थी परिमित लंबाई के तार के लिए या परिमित तार के लिए, परिमित तार के लिए फॉर फाइनाइट वायर, यानी हमने एक तार लिया था उसकी लंबाई सीमित थी या परिमित थी। उसके लिए दोस्तों आंसर आया था, आपको याद होगा, बी इक्वस टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, बी इक्वस टू म्यू नॉट आई, ये आंसर आया था दोस्तों। और इसमें आपने एक वायर ले लिया था, ठीक है, यूं इस तरह से। और ये जो नीचे वाला जो एंगल था वो फाई वन या माइनस फाई वन, ठीक है, और ये वाला जो एंगल था वो था फाई टू। ये जो डिस्टेंस थी दोस्तों, ये यहाँ से लेकर पी पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस थी डी, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, डी। तो हमने दोस्तों इस वाली ये वाली कंडीशन के लिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आंसर निकाला था, काफ़ी लंबा चौड़ा था। अब इसी के अंदर दोस्तों हम यदि अपरिमित वायर ले लें, अपरिमित या असीमित या अनंत, ठीक है, तार के लिए यानी फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। तो दोस्तों इनफाइनाइट वायर लेंगे तब ये डायग्राम आप फिर से बना सकते हैं। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसको डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ पॉज करके आप। तो दोस्तों ये हम जब अनंत लंबाई के अनंत तार के लिए ले रहे हैं, अनंत लंबाई का तार, तो इसके लिए इसी में हम मैं कर देता हूँ, आप अलग से बना लेना या इसी को ही यहाँ डॉट 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 यूं, तो ये हो जाए आपके प्लस इनफाइनाइट और ये इधर क्या हो जाए माइनस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में ये जो एंगल है फाई टू और फाई वन, ये एंगल क्या होंगे दोस्तों, फाई वन इक्वस टू फाई टू इक्वस टू 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। यू एंगल ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये अनंत लंबाई के तार के लिए, तो इसके लिए दोस्तों आंसर आएगा बी इक्वस टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन 90 आप दोस्तों जानते हो 1, तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इनटू में आ गया दोस्तों 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी। अब हम इसमें तीसरी कंडीशन ये लेते हैं कि दोस्तों ये जो फाई वन एंगल है यदि ये ज़ीरो हो, यानी नीचे वाला जो ये वायर है ये हो ही नहीं और ऊपर वाला वायर हो और वो इनफाइनाइट के लिए हो, तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये आप पॉज करके लिख लीजिए। तीसरी हम कंडीशन इसमें दोस्तों यह ले रहे हैं कि इस तरह से कि ये जो नीचे वाला जो आपको एंगल दिखाई दे रहा था वो है नहीं, और ऊपर वाला जो एंगल है वो दोस्तों यहाँ मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, और ये जो आपके एंगल है जो क्या था दोस्तों, फाई टू था, ठीक है, फाई टू है। और ये जो फाई वन है, ये फाई वन यहाँ दोस्तों था पहले, अब नहीं है, यूँ इस तरह से, तो फाई वन नेग्लिजेबल है, ये वाली दूरी वही डी है और ये वाली दूरी दोस्तों अनंत है। तो इसमें कंडीशन ले लेते हैं कि यदि एक सिरा,
ठीक है, अनंत, एक सिरा अनंत हो, एक सिरा अनंत हो और दूसरा सिरा जो है वो हम नहीं ले रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा फाइ टू इक्वस टू 90 डिग्री और फाइ वन इक्वस टू हमने ले लिया जीरो, यानी दूसरा सिरा न हो। तो इफ द वन साइड तार, एक तार, यदि यदि तार का एक सिरा, इफ द वन एंड्स ऑफ ऑफ द वायर इन्फिनिटी, ठीक है, तार का एक सिरा अनंत हो, तो दोस्तों ये इसमें हम मान रख लेंगे, तो साइन ज़ीरो फाइव वन इक्वस टू साइन ज़ीरो इक्वस टू ज़ीरो और साइन फाइव टू और साइन नाइन्टी, साइन नाइन्टी इक्वस टू दोस्तों क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आ जाएगा b इक्वस टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी वन प्लस ज़ीरो, ठीक है, या ज़ीरो प्लस वन, बात एक ही है, क्यों, तो ये आपके ज़ीरो और ये वन, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, ठीक है। ये यदि हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं और वो जो नेक्स्ट वाली जो थी वो दूसरी इक्वेशन हो गई और ये तीसरी इक्वेशन हो गई, तो ये हमने इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में हमने इसको फिक्स रखा था, दूसरे वाले में हमने इसको अनंत लंबाई का ले लिया। फिर इसी के अंदर दोस्तों हम कंडीशन ले लेते हैं कि तार का जो सिरा है ये वाला इसी के अंदर कर लेना आप, और ये एल लेंथ ले लेते हैं, यूँ यहाँ हमने ये, या आपको याद हो तो एक्स पॉइंट माना था, या नीचे वाला ऊपर वाला वाई पॉइंट माना था, या ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला, और ये आपके दोस्तों पी पॉइंट था। तो इसमें हम लेते हैं, इस बार ये जो है वो हम क्या ले लेते हैं, यदि तार का एक सिरा परिमित हो यानी फाइ टू तो आपके है, और दूसरा सिरा ठीक है, ये वाला दूसरा सिरा को हम गायब कर देते हैं, और जो दूसरा सिरा है जो सेकंड एंड्स है वो आपके न हो, केवल एक ही सिरे की बात कर लेते हैं, और दूसरा जो सिरा है वो इसके एकदम मिड पॉइंट पर ही है, एक सिरा इसका तार का परिमित हो, तब इस अवस्था में दोस्तों हम क्या ले लेते हैं कि फाई जो वन है वो हम ज़ीरो ले लेते हैं, एक सिरा परिमित हो ये अंडरस्टूड है और दूसरा सिरा इसके अंदर हम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं, या इसका आंसर हम लिख लेते हैं एक बार, चलो, तो ये आंसर आ जाएगा b इक्वस टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और ये आ गया साइन फाई टू, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन फाई टू। साइन फाई टू का मान निकालने के लिए ट्राइंगल XOP और इससे हम ले लेते हैं साइन फाई टू, साइन फाई टू क्या हो जाएगा दोस्तों, XO लंब बटे XP, तो XO तो हो गया L और ये हो जाएगी दोस्तों X पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरे ख्याल से क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है और आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो एक्स पी स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक्स पी इक्वस टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेयानुसार, क्लियर दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेयानुसार, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और ये आ गया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर। तो ये भी आप पॉज करके लिख लीजिए।
हाँ तो दोस्तों इसमें अगली हम सिचुएशन ले रहे हैं कि जो परिमित लंबाई का वायर है, ठीक है, ए बी सी डी ई कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए वाली कंडीशन तो ये हो गई जो आंसर आया है, और बी वाली जो कंडीशन है उसमें हमने इनफाइनाइट ले लिया सी और डी। इसमें हम दोस्तों ये ले रहे हैं कि ये वाला जो एंगल फाई वन है ये भी मान लीजिए फाई हो, और फाई टू एंगल है ये भी फाई हो, यानी यदि सीमित लंबाई के तार में कोण फाई वन व फाई टू बराबर हो, ये दोस्तों पॉइंट ओ था, ये पी था, ये दूरी आप जानते हो डी है, ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाई है, ये एल है और ये भी एल है, ठीक है। यदि सीमित लंबाई के तार में कोण फाई वन फाई टू बराबर हो, इफ़ द एंगल फाई वन एंड फाई टू आर इक्वल इन द वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, वायर, तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, ये फाई वन इक्वल्स टू फाई टू, और फाई वन इक्वल्स टू फाई टू आपने फाई ले लिया, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और साइन फाई और साइन फाई, तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी टू साइन फाई, ये टू से एक टू कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन टू पाई डी या म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आ गया दोस्तों, ठीक है। अंतिम जो कंडीशन है, यदि ये नहीं हो और इसके अक्षल के ऊपर, ये हम अभी इक्वेटोरियल पर ले रहे थे, यदि हम अक्षल की बात करें यानी अक्षीय रेखा पर यानी एक्स वाई रेखा पर, इस पर यदि दोस्तों कोई पॉइंट हो ऑन अक्षल लाइन, अक्षल लाइन के ऊपर दोस्तों क्या होगा, बी की जो वैल्यू है वो आपके ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, फाई वन भी ज़ीरो रहेगा और फाई टू भी ज़ीरो रहेगा, यानी फाई वन इक्वल्स टू फाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो अक्षीय जो लाइन ली है, अक्षीय जो रेखा ली है, उस अक्षीय रेखा के ऊपर फाई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा और ये कंडीशन आपके आ जाती है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।